प्यारे बच्चों, यहां पर आप जो देख रहे हैं वो नवोदय परीक्षा का प्रश्न पेपर है। यहां पर हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवोदय परीक्षा में प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जो है नवोदय परीक्षा की तैयारी अभी से कर रहे हैं और आपका जो तैयारी है पूरा भी हो चुका है। जब परीक्षा होगी तो हम अनुभव करते हैं, विद्यार्थीगण जो होते हैं तैयारी करने के पश्चात जब परीक्षा दिलाने के लिए जाते हैं तो परीक्षा सेंटर पर वो घबरा जाते हैं। जब उनके सामने नए नए प्रश्न आते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करें। हमने यह भी अनुभव किया है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित के प्रश्नों को पहले हल करना शुरू करते हैं। टोटल 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन वो 20 प्रश्नों को इतने टाइम तक हल करते हैं, इतना ज्यादा समय हल करते हैं, जिससे मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल करने में और हिंदी के प्रश्नों को हल करने में उसके पास समय नहीं बचता और अंतिम में वो कुछ प्रश्नों को तुक्का लगा देते हैं। तो ऐसे में तो आपकी तैयारी अधूरी हो गई। आप पूरा यहाँ पर तैयारी कर लिए हैं, लेकिन परीक्षा में सही तरीके से यदि प्रश्नों को हल नहीं कर पाए तब क्या होगा, आपकी इतनी तैयारी का कोई मतलब नहीं होगा। अतः आपको अब यह भी सीखना होगा कि परीक्षा में किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए हमने क्या किया है, जो पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न पेपर है उसको अब आपके बीच हम लेकर आएंगे, जिसमें आज हम 2017 का जो प्रश्न पेपर है उसको हल करेंगे। इसके अंतर्गत जो गणित के प्रश्न है उसको हल करेंगे। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रश्न को आप सरलता से कैसे हल करेंगे। देखिए, इस लेवल में पहुंचने के लिए, अर्थात यहाँ पर आप तैयारी के लिए पहुंचे, इसके पहले आप जो है नवोदय के जितने भी चैप्टर है, कोर्स है, उनका जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और हम अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में नवोदय गणित के जितने भी चैप्टर है उन सभी का वीडियो क्लास को डाल दिए हैं। आप उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब जो है हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा की तैयारी। अब जो है इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं ना, तो आप अपने मन में ये बात पहले रख लीजिए। क्या बात, कि आप अभी जहां पर से ही इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं उसी जगह को फिलहाल के लिए अपना परीक्षा केंद्र मान लीजिए। और यहाँ पर जो मोबाइल में आप देख रहे हैं, टीवी में इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तो उसी को जो है आप प्रश्न पेपर मान लीजिए। अब ये जो प्रश्न है आपके सामने आते जाएगा और आपको उसको हल करना है कम से कम समय में, तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि मान लीजिए मैं भी परीक्षा में बैठा हूं तो कैसे हल करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं 51 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि 2017 में गणित के 25 प्रश्न आते थे तो इसलिए यहाँ पर 51 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब 20 प्रश्न आएंगे तो, लेकिन चूंकि यहाँ पर 25 प्रश्न है तो पूरा का पूरा तैयारी करेंगे 51 नंबर के प्रश्न जो है इसको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ते हैं, विभिन्न अंकों से बनी चार अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो कौन सी है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो आपकी मदद करता है। सबसे पहले चारों ऑप्शन को देख लो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो जो दो वाला है वो बड़ा हो गया, तो इसके बारे में अब आपको सोचना नहीं है क्योंकि ये दोनों उत्तर नहीं होगा, क्योंकि छोटी संख्या कहा गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कि पहला छोटा है कि दूसरा छोटा है। आप देखेंगे यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर दो है, तो पहला छोटा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन में क्या दहाई के स्थान पर 9 है, हाँ दहाई के स्थान पर 9 है, तो यही इसका उत्तर होगा। देखो कितनी आसानी से हमने बना दिया। अब जो दूसरा प्रश्न है इस वीडियो का और इस प्रश्न पेपर का 52 नंबर का प्रश्न है, इसको हल करते हैं। क्या कहा गया है, 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्तक है। अब देखो इन तीनों का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के अभाज्य गुणनखंड हमने बताए हैं और इसके साथ ही साथ आपको तरीका भी बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। वो क्या चीज है, जब भी महत्तम समापवर्तक का प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको देखना है। ये सबसे छोटी संख्या है 14। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है, जो छोटी संख्या है 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, क्या 36 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा
वो 14 से कम होगा, 14 से कम होगा और 14 का गुणनखंड होगा। अर्थात हमको देखना होगा कि चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके पहाड़ा में ये छोटी संख्या आ रही है। दो के पहाड़ा में आता है, चार के पहाड़ा में नहीं आता है, चार 16 होता है, चार 12 होता है, 14 नहीं आया, दो के पहाड़ा में आया, 2 7 14, 6 के पहाड़ा में नहीं आता है, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा, दूसरा भी उत्तर नहीं होगा, 11 के पहाड़ा में नहीं आता। अब देखो तीन ऑप्शन आपको पता चल गया कि तीनों इसका उत्तर नहीं है, तो और इसका महत्तम समापवर्तक निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 53 नंबर का प्रश्न। क्या कहा जा रहा है कि संख्यांक 24, 36 और 42 का लघुतम समापवर्तक क्या है? अब देखो इसका लघुतम समापवर्तक निकालना है, तो लघुतम समापवर्तक के लिए क्या करना होगा, आपको बताया गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देख लो कौन सा है, इसमें 42 है। अब छोटी संख्या के पहाड़ा पढ़ो, ये बड़ी संख्या मिलना चाहिए, 24 से कम 24, 24 दुनिया 48 नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 42 के पहाड़ा लिखेंगे। तो 42 का पहाड़ा लिखो, इससे पहले आप क्या करो, चारों ऑप्शन को देखो कौन कौन सा संख्या है वो 42 के पहाड़ा में आता है या 42 से भाग चले जाएगा। 42 से कम 42, 42 दुनिया 84 ये पहाड़ा में आ रहा है, 84 आ रहा है, 72 नहीं आएगा। अब उसके बाद इसको देखते हैं क्या 42 के पहाड़ा में आता है, तो ये बस बड़ी संख्या है ना भाई, दोनों में से एक ठो को देख लोगे पता चल जाएगा, तो 504 बस को आप क्या कर लो, इस 42 से भाग करके देख लो, तो 42 से कम 42, ठीक है, यहाँ पर 8 बचा, फिर 4, 84 आ गया, अर्थात 42 से भी भाग चले जाएगा। अब ये यहाँ पर 504 है, 604 है, 100 बस ज्यादा है, तो ये 42 से भाग नहीं होगा। अब आपके पास ये देखो एक बचा है और तीन बचा है जो कि 42 के पहाड़ा में आता है। अब आप क्या करना, बाकी जो दो संख्या बचा है उसको देखो, उसके पहाड़ा में क्या 84 आता है क्या, 24 से कम 24, 24 दुनी 48 और 24 तिया क्या होगा, 72 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 72 तो ऑलरेडी यहाँ पे कट हो गए हैं, 84 नहीं आ रहे हैं, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हुआ। अब लास्ट में यही बस बचा है, तो यही इसका उत्तर होगा। अब इस प्रकार से ऐसे भी निकाल कर देख सकते हैं, 24, 36 और 42 का ऐसे लघुतम समापवर्तक निकाल करके भी हल कर सकते हैं। प्रश्न पेपर में आपको ये सब नहीं लिखना रहता, क्योंकि यहाँ पर और मेरे पास जगह नहीं है आपको समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जो है रफ पेपर में ही करेंगे, रफ कार्य के लिए जो जगह रहता है उसमें करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न। देखिए आपको समझा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा धीरे चल रहा है, जब खुद हल करते हैं तो बहुत स्पीड से बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है 101 गुणा शून्य गुणा 11। अब इसका उत्तर क्या होगा, तो क्या आपको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्या पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि शून्य है कहीं भी, एक भी बार, एक बार शून्य संख्या है तो कहीं पर पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर शून्य ही आएगा। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने संख्या पद्धति में बता दिया है। अब है 55 नंबर का सवाल, आपके पास सवाल आ गए 9 5 0 2 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या है। तो देखो जैसे जैसे प्रश्न में शर्त कहा गया ना, वैसे वैसे देखना है, 5 अंकीय सम संख्या है, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में से कौन कौन सा सम संख्या है। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो इसको हल करने का तरीका अलग रहता है, अब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन की मदद से बनाएंगे। ये सम संख्या नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा, ये सम संख्या नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब आपके पास पहला बचा और तीसरा बचा, अब देखो दोनों में से छोटी कौन सा है, दोनों में से देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, ये छोटा है, लेकिन ये सामने में 0 है तो कोई मतलब नहीं, तो ये 4 अंकों की संख्या हुआ और बोला गया है 5 अंकों का, तो इस प्रकार से पहला इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन की मदद से आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है, कुछ एक प्रश्न बस लगेगा जिसको आपको हल करने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी अधिकांश प्रश्न ऐसे ही देखते ही बन जाता है यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे पूरे कोर्स के वीडियो को देख लेना, अभी भी समय बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है चित्रालेख वाले प्रश्न है। दिया गया चित्रालेख एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेची गई संतरों की पेटियों की संख्या दर्शाता है। तो देखो सबसे पहले मैं स्पष्ट करता हूँ बच्चों, आज इस वीडियो को बना रहा हूँ 27 फरवरी 2022 को, तो 2022 में इस प्रकार के प्रश्नों को सिलेबस से हटा दिया है,
लेकिन चूंकि 2017 में पूछा गया था और हमारे सामने आ गया है, इस कारण इस प्रश्न को हल करते हैं। बाकी अब ऐसे प्रश्नों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर सोमवार है, मंगलवार है, शुक्रवार है, रविवार है। तो यहाँ पर गोल गोल जो दिया हुआ है, ये सोमवार को जितने भी संतरे बेचे गए उसके लिए संकेत है। अब इस संकेत का मतलब भी नीचे में दिया रहता है, देख सकते हो, संकेत शून्य अर्थात या फिर गोल बराबर 50 पेटियों को दर्शाता है। एक गोला जो है 50 पेटी, ठीक है, ये दर्शाता है। अब प्रश्न क्या कहा गया, देखो, मंगलवार और रविवार को उसने कुल कितनी पेटियां बेची। मंगलवार कहाँ है, यहां पर, रविवार क्या है, यहां पर। अब देख लो, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 गोले हैं। एक गोला का 50, तो 9 गोला का क्या हो जाएगा, 9 × 50 हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, 5 × 45 और एक बार शून्य लग जाएगा, 450 इसका उत्तर हुआ, ठीक है। कितने सरलता से हल कर रहे, देखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 57 नंबर का। ये कहा जा रहा है कि किसी मिठाई में 40% चीनी है। कितना चीनी है, 40%, क्योंकि मिठाई में चीनी अर्थात शक्कर डाला जाता है। तो जहां पर भी प्रतिशत कभी भी आपको देखने को मिलेगा, तुरंत आप ध्यान रखना कि 100 में 40 है, ये जितना प्रतिशत वो 100 में होता है, 10% है तो 100 में 10, तो ये 100 में 40 है। ऐसी ही इतने किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी, तो आपको क्या करना होगा, इतना जो किलोग्राम है इसमें कितनी चीनी होगी जानने के लिए, इसका जो है आप 40% निकाल दो, 4.8 का 40%, तो 40% के लिए क्या करेंगे, 40/100 करेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं दशमलव यहां पर लगा है, ये दशमलव को हटा दो सबसे पहले। अब इसको गुणा कैसे करते हैं, तो हमने दशमलव का गुणा भी बताया है, उसको भी देख लेना, ठीक है। अब ये दशमलव नहीं है, तो ये 100 यहां कट गया, 100 यहां कट गया। अब यहां पर जो 100 है उसको मत कटाओ, ठीक है, ऐसे में क्या होगा, गुणा भाग करने में तकलीफ हो जाएगा। तो यहां पर 4 × 8 = 32 का 2, 4 × 16 = 3, 19, 19/100, तो 19/100 हुआ है। अब इसको आप दशमलव लगाओ, तो 1 अंक 2 अंक 1.9 किलोग्राम, 9.2 किलोग्राम यहां पर उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न। यहां पर कहा गया है कि 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बच्चों, ये जो है समय और काम का जो पार्ट 3 हमने बनाया था, तीसरा पार्ट जो बनाया है, उस पर आधारित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत सरल तरीका मैंने बताया है। अब चूंकि ये परीक्षा में आप हल करेंगे, तो एक एक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत तुरंत आप बना लेंगे। जैसे कि 6 पुरुष 12 दिन में, 6 पुरुष 12 दिन में, तो 1 पुरुष कितना हो जाएगा, 6 × 12 = 72 दिन में करेगा, अकेले अगर काम करेगा तो 72 दिन में। 1 पुरुष का टोटल दिन की संख्या निकल गया, तो वो 1 दिन में कितना काम करता है, इसके लिए 1/72। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिए। अब केवल देखो, इतना सारा जो प्रश्न भी हल किए इस वीडियो में, 7 प्रश्न को हल किए, तो 7 प्रश्न में ज्यादा समय नहीं लगा, इस 8वें प्रश्न में आपको समय लग रहा है, तो इसको हल कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि जो 10 औरत है वो भी 12 दिन में काम करती है, तो जब 10 औरत 12 दिन में, तो 1 औरत 10 × 12 = 120 दिन में, है ना भाई। अब 120 दिन में करी, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, 1/120। अब 3 पुरुष और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेगी, तो देखो यहां पर जो है 1 पुरुष 72, 1 दिन में 1/72 काम, तो 3 पुरुष के लिए यहां से 3 से गुणा करेंगे, धन यहां पर 1/120 गुणा कितने औरत है, 5 औरत कर दीजिए, इसको हल करते हैं। तो ये 3 × 3, ये 3 × 6, 3 × 4, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 20, ठीक है। तो 1/24 यहां हुआ, 1/24 यहां हुआ, दोनों को जोड़ना है, हर बराबर है, तो 2/24 इसका होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4, तो 1/12 आया। ये क्या है, 3 पुरुष और 5 औरत द्वारा 1 दिन में किया गया काम है, तो टोटल दिन की संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगा, 12 दिन, इसका उत्तर क्या होगा, 12 दिन होगा, ठीक है। इसके लिए आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब यहां पर अगला प्रश्न 59 नंबर का प्रश्न को ध्यान से देखिए। मुझे ये बताइए कि यहां पर जो प्रश्न दिया गया है बच्चों, क्या इसको हल करने के लिए पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता होगी क्या,
इसको हल करने के लिए पहाड़ा पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 5.28 गुणा 0.8 है। तो यहाँ पर भी देखोगे 52.8, अर्थात जो अंक है वही अंक है, दशमलव का स्थान अलग अलग जगह है। तो बिना दशमलव का अगर देखते हैं तो इसका उत्तर 4224 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक और एक दो, तो दो अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 42.24 इसका उत्तर होगा। कितनी सरलता से बन रही देखिए, लेकिन इस सरलता से हल करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के लिए हमारा वीडियो अवश्य देखते जाइएगा। अब देखेंगे 60वां नंबर का जो प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है। क्या कहा गया है कि 800 का 6%, मैंने अभी बताया जहां प्रतिशत आता है तो तुरंत आप सोचो कि 100 में कितना है, तो 100 में 6 है। जब 100 में 6 तो 200 में 12 और 800 में कितना हो जाएगा, 8×6=48, यही इसका उत्तर है, ठीक है। अब देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न, क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 में खरीदी, कितने में खरीदी, 47,000 में, तथा उस पर 3,000 मरम्मत में लगाए। अब देखो खरीदा भी है और मरम्मत अर्थात तो उसमें रिपेयरिंग भी कराया है, तो 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50, तो टोटल वो जो है 50,000 रुपया खर्चा कर लिया। क्लियर है यहां तक में, उसने इसे 52,000 में बेच दिया। देखो भाई 50,000 में खरीद के 52,000 में बेच दिया, मतलब ज्यादा में बेचा है। तुरंत हिसाब लगा दो कि कितना में बेचा है, कितना ज्यादा में बेचा है, 2,000 ज्यादा में बेचा है, हुआ है कि नहीं है, 2,000 ज्यादा, 50 और 2 52 होता है ना भाई, कैसे पता चलेगा, 52,000 में से आप 50,000 को घटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इन सब चीज को मौखिक बना सकते हैं, जैसे 50,000 को 52,000 था, 2,000 बढ़ा है ना भाई, हमें उत्तर से मतलब है, प्रश्न में परीक्षा में उत्तर से मतलब होता है, ठीक है। उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई, तो देखो हानि तो नहीं हुआ है क्योंकि 50,000 को 52,000 में बेचा है सामान को, तो यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीधा सीधा देखिए कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया कितना लाभ हुआ है उसको पहले लिख दो, और लाभ किसके आधार पर हुआ है, क्रय मूल्य के आधार पर, अर्थात जितना में खरीदा था 50,000 में से वो उसको 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, तो यहाँ पर आप इसको क्या कर दो, कटा दो और इसको प्रतिशत में बदल दो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100% से गुणा करना होता है, तो 50 एकम 50, 50 दुनी 100, तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, 2 दुनी 4, 4% लाभ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी हो जाएगी ये तो बात की बात है, पहले आप देख लिए कि ये साधारण ब्याज के प्रश्न है, तुरंत आपको 5 चीजें लिखना है, मूलधन, दर, समय, ब्याज और उसके बाद है मिश्रधन, ये 5 चीजों लिखने का तरीका मैं आपको बताया हूं। अब फिर से प्रश्नों को पढ़ना है, कितने समय में अर्थात समय नहीं दिया है, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अर्थात दर कितना है 10%, दर से दुगुनी हो जाएगी, अर्थात दुगुनी हो जाएगी तो यहाँ पर जितना रहेगा उससे डबल यहाँ पर होगा मिश्रधन में, तो मूलधन को मान लो 100 रुपया, कितना मान लो 100 रुपया, जब मूलधन को 100 रुपये मानेंगे तो 100 का डबल कितना होता है 200 रुपया, यहाँ पर 200 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर ब्याज कितना है पहले बताओ, 100 रुपया जो है अब 200 बन गया, अर्थात 100 रुपया उपराहा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो वही 100 रुपया तो ब्याज होगा ना भाई। अब दर क्या चीज है, हमने कॉन्सेप्ट में बताया है, दर क्या है, 100 रुपये के पीछे 1 साल का ब्याज होता है, तो 1 साल में 10 रुपये ब्याज है ना भाई, तो कितने साल में 100 रुपये ब्याज होगा, इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल ब्याज है उसे जो है आप 1 साल के ब्याज से भाग कर दो, समय निकल जाएगा 10 वर्ष यही है। देखो ये प्रश्न ना मौखिक बनता है, इसमें इतना लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, ये तो जब आप हल करेंगे तो इससे कम समय लगेगा। अब देखते हैं 63 नंबर का जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए, 63 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है 32 का अभाज्य गुणन खंडन है। देखो ये छोटी संख्या है ना भी, छोटी संख्या है तो अभाज्य गुणन खंड के लिए आपको अलग से इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन की मदद से बना लीजिए।
देखो सबसे पहले तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे आठ है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, चार है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये और ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास बचा पहला और दूसरा, दोनों में अभाज्य गुणा करके देख लीजिए, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, इसी में 32 आ रहा है, ये इसका उत्तर है। बस सिंपल से चीजें हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, 64 नंबर का। हाँ यहां पर देखते हैं, निम्न में से कौन से संख्यांक 8 और 12 के प्रथम तीन उभयनिष्ठ गुणज है। तो देखो उभयनिष्ठ गुणज जहां पर भी आएगा, इसके बारे में भी मैंने क्लास के दरमियान बताया है, ये होता है एलसीएम, एलसीएम होता है। तो आपको क्या करना होगा, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। तो ये भी आसान है, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा लिखो, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब देखो 24 क्या 8 के पहाड़ा में आता है, क्या आता है, तो इन दोनों का एलसीएम जो है 24 होगा। अब जो है तीन उभयनिष्ठ गुणज, अर्थात अब जो है 24 का ही पहाड़ा लिख दो, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यही जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न। अब ये श्रेणी वाला प्रश्न है, श्रेणी वाला प्रश्न अर्थात श्रृंखला वाला, ये गणित में तो कोर्स से हटा दिया है इसको, लेकिन हो सकता है जब श्रृंखला वाले प्रश्न पूछे जाते हैं चित्र में तो उसमें शामिल किया जा सकता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले एक है, फिर दो है, फिर चार है, फिर आठ है, फिर 16 है, किस प्रकार से बढ़ रहा है तो हमको समझना होगा। एक का डबल हो गया दो, दो दूनी चार हो गया, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, तो 16 का डबल 32, ये उत्तर हो गया। देखो कितनी आसानी से सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 66 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है 2.4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इन सबको जब सरल करते जाओगे तो आपको 2.4 मिलते जाएगा, जिसमें ये 2.4 नहीं मिलेगा वही इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखो इसको सबसे पहले दशमलव बदलेंगे, दो सही 2/5, तो क्या हम इसको 5 दुनी 10 दुनी 10 और 2 12/5 लिखेंगे, जरूरत नहीं है। अगर सही में आ चुका है मतलब ये दशमलव के पहले होगा दो। ठीक है, जितना है अब केवल 2/5 को हमको दशमलव बदलना है, तो 2/5 को दशमलव बदलना है तो इसके लिए आप इसको भाग मत दीजिए, आप जो 5 है उसको 10 कर दीजिए। कैसे 10 करेंगे, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया 4/10 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब 4/10 अर्थात 0.4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। देखो इसका मान 0.4 है, ठीक है 2.4 हुआ इसके बराबर है। अब हम इसको देखते हैं 12/5, तो देखो 5 दुनी 10 10 2 12/5, इसका भी मान है, इसका भी मान है, तो इसका भी क्या होगा 2.4 होगा, फर्क हल करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर 2 और 4/10 है, इसका मान भी क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। अब तीनों का मान 2.4 है तो निश्चित तौर पर इसका मान नहीं होगा, यही इसका उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं 67 नंबर का सवाल, इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कहा गया है इस संख्या को, इस संख्या को तथा इस संख्या का योग क्या होगा। आप क्या करें इसमें जो है क्या करना, इसमें ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो उसको हल कर देना, ज्यादा इसमें सोचना मत। देखो सबसे पहले लिखना 6.666 जितना बार दिया है, उसके बाद दशमलव को पहले लिखो, इधर लिखो 6, इधर लिखो 6, फिर दशमलव लिखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0.6 है। अब देख लो कि सबसे ज्यादा अंक किस में, दशमलव के बाद, यहाँ पर 3 अंक है, इसको भी 3 अंक करो, इसको भी 3 अंक कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 3 18 का 8, 6 2 12 और 1 13, उसके बाद यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1, 6 3 18 और 1 19, क्या हुआ ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, अब 68 नंबर का सवाल, एक हाल की विमाएं इतना गुणा इतना है, उसके फर्श पर लगाने के लिए इतना गुणा इतना मीटर विमाओं वाली कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। देखो अभी अभी हमने हाल में जो है इसी प्रकार से प्रश्नों का अभ्यास कराया, जिसमें आंगन के क्षेत्रफल और टाइल्स के क्षेत्रफल वाले प्रश्न थे। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, जो हाल है या दीवार है उसका जो क्षेत्रफल है उसमें जो है टाइल्स के क्षेत्रफल को आपको भाग करना होता है। टाइल्स के क्षेत्रफल को आप भाग कर दीजिए, उत्तर मिल जाता है। देखिए यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, तो ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 1/10 का गुणा होगा,
और इस दशमलव को हटाएंगे तो एक बार और इस प्रकार से 100 का गुणा हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब देखते हैं 4 एकम 4, 4 6 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब गुणा करते हैं, 20 दूनी 40 और 40 गुणा 100, 4000 इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब आखिरी के कुछ प्रश्न बचे उसको हल करते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न आ गया, नीचे दी गई आकृति में दरी का परिमाप कितना है। देखो ये दरी है, अब इसमें आयताकार है वर्गाकार है ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां परिमाप आ गया कुछ भी सूत्र मत लगाओ, सीधा एक राउंड चल दो, यहां से शुरू करो और चलते चलते वापस इसी जगह पे आ जाओ। यहां से यहां चले 3 मीटर, उसके यहां से यहां तक चलेंगे कितना है, मान तो दिया नहीं है कैसे करेंगे, तो देखो इसके सीधे में 2 मीटर दिया है यहां से यहां तक, तो इसका मतलब इसका ये भी 2 मीटर होगा, है कि नहीं। तो 3 2 5 हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक भी मान नहीं दिया है, दिया है क्या, यहां से लेकर यहां तक मान, तो कैसे करेंगे। देखो ऊपर में यहां से यहां तक का दिया है 3 का, फिर यहां नीचे में दिया है 5 तक का दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां तक जो है 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना भाई। तो ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 5 13। अब उसके बाद देखो यहां पर एरो दे दिया है, तो इस जगह पर छूटा हुआ है यहां से यहां तक, और उसके सीध में देख सकते हो यहां पर 1 है, तो ये भी 1 होगा, 13 और 1 14 15 16, 16 मीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल 70 नंबर का। एक रेलगाड़ी प्रातः इतने बजे चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः इतने बजे पहुंचती है, उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा। बहुत सरल सवाल है, देखो सबसे पहले कितने समय चलना शुरू किया उसको देख लो, 5:45 को शुरू किया है, तो जो 5:45 है तो 45 मिनट को बना दो 60 मिनट, तो 60 मिनट बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 मिनट, है ना भाई, तो 15 मिनट जोड़ दो। तो जैसे ही 15 मिनट जोड़ोगे ये क्या हो जाएगा, 6 बज जाएगा। अब 6 बजे से लेकर 9:20 तक कितना समय होगा, 6 और 1 7 8 9, 3 घंटा हुआ, 3 घंटा 20 मिनट हुआ, तो 3 घंटा 20 मिनट में ये 15 मिनट को जोड़ दो, 3 घंटा 35 मिनट इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं 71 नंबर का सवाल। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हो। देखो 3/5 भाग भरा है ना भाई, ये बाल्टी है 3/5 भाग, अर्थात अगर ये बाल्टी को हम 5 हिस्से मारते हैं, 2 ये 3 और उसके बाद ये 4 और ये 5, मान लीजिए हम 5 हिस्से मार दिए, तो इसमें 3 हिस्सा भरा हुआ, ये हिस्सा भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, 2 हिस्सा खाली है। अब 5 हिस्सा मार दो किसको, 20 को, तो एक हिस्सा में कितना आएगा, 5 से 12 तो 5 4 20, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, इतना भरा है। ठीक है, उसमें कितना और पानी डाले, देखो 2 बार 4 4 और डालेंगे तो इसका मतलब 8 लीटर और डालेंगे, है ना भाई। अब देखते हैं 72 नंबर का सवाल। एक दुकानदार बाल पेन 12 रुपये का एक अथवा 50 में 5 का पैकेट के भाव से बेचता है। देखो ये पैकेट और खुला वाला है, तो खुला कितना है, 1, खुला जो 1 मिलता है वो कितने रुपये में, 12 रुपये में, और बंडल में कितना आता है, 5, 50 रुपये में। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्या बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति 23 बाल पेन खरीदे, देखो 23 ठो खरीदना है तो एक बंडल में 5 ठो, तो टोटल कितना बंडल होगा पहले देखना है, तो बंडल में 5 है ना, तो इसको पहले भाग कर दो, ठीक है, तो 5 4 20, 4 भाग फैलाएगा, 3 खुला बचेगा, तो 4 बंडल, तो एक बंडल का 50, तो 4 बंडल का कितना हो जाएगा, 200, है ना भाई, और 3 खुला का 12 36, तो 236 इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, बैटरी भी लगभग एंड हो रहा है, वेट करते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं 73 नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा समय लगेगा। एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीना ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए, यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हो तो गुरदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात करो। देखो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले जितने भी नाम आए हैं उसका पहला अक्षर लिख दो, आर जी और एल, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आर है, ये जी है, ये जी है और ये एल है। क्या कहा जा रहा है कि रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए, ये जो रमेश है ये गुरदास से ज्यादा पाए, अर्थात गुरदास का जो है आप मान लो एक्स, इसका एक्स मानोगे तो ये हो जाएगा x^15, ठीक है। उसके बाद जो लीना है वो गुरदास से 7 अंक कम पाई है, अर्थात इसका हो जाएगा x^7। अब सबका जो टोटल है वो है 83, ठीक है, इस प्रकार से बन गया। अब इसको आप जोड़ोगे तो 1x 2x 3x,
और 15 में से आप 7 घटाओगे कितना होगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स, 3x बराबर 83 में से 8 घटाओगे, है ना भाई, ये 8, ये सब 8 इधर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 75। तो अब x का मान क्या हो जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो x अर्थात 25, अब x किसको माने थे हमने, गुरदास को, किसका पूछा है, गुरदास का, तो 25 ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी के दो प्रश्न बचे हुए हैं। दिए गए डन चार्ट में जो कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए गए परिवहन के प्रकार को दर्शाता है, पढ़कर निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये डन चार्ट भी अब जो है कोर्स से हटा दिया है, ठीक है, फिर भी आ गया है तो इसको हल करते हैं। देखो ये स्कूल बस है, यहाँ पर स्कूल बस के संकेत है, स्कूल बस के ऊपर का हिस्सा देखो 400 में जा रहा है, तो 400 विद्यार्थी, कार में 200 विद्यार्थी, बाईसाइकिल में 500 विद्यार्थी और पैदल है 300 विद्यार्थी। क्या पूछ रहे हैं, विद्यार्थी द्वारा सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला परिवहन कौन सा है। देखो भाई किसकी ऊंचाई सबसे कम है, इसकी ऊंचाई कितना, 200, क्या चीज है ये, कार है, तो कार ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है, कार इसका उत्तर होगा। अब आखिरी प्रश्न देखिए, किशोर ने इतना रुपये की दवाइयां तथा इतना रुपये की एक टार्च खरीदी, यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपये का एक नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। देखो सिंपल सा सवाल है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना का है और घटाना का है, तो घबराना मत। देखो यहाँ पर 0.50 है, मतलब 50 पैसा, यहाँ पर तो दोनों 50 पैसा मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो 205 को मान लो, 206 मान लो, 206 मान लो और 180 को इसमें जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि 50 पैसा को हमने क्या किया, 1 रुपये मान लिया, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 386। अब 386 रुपये खर्चा किया, 500 को नोट दिया, तो 500 में से 386 को घटा दो, मिलेगा 114, यही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से बच्चों परीक्षा में बिल्कुल घबराना मत, हर प्रश्न के लिए आपको मदद मिलता है, ऑप्शन आपकी मदद करता है, तो ऑप्शन की मदद के माध्यम से आप परीक्षा में बड़े आराम से बना सकते हैं। अगला जो वीडियो अवश्य देखना, जिसमें हम 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी तैयारी करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। नमस्कार।